गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे लेसन 11, जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, देखिए जो हेलेन केलर ने लिखा है। हेलेन केलर द्वारा लिखित यह निबंध है और आगे देखिए, इसमें हेलेन केलर ने क्या क्या वर्णन किया है अपने कहानी आत्मकथा के बारे में। देखिए, इसमें हेलेन केलर ने अपने ऊपर ही बीती हुई सारी बातें कही हैं, जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि जो दृष्टिहीन थी लेखिका जो है वह दृष्टिहीन थी, और लेखिका ने कुछ जानने के लिए जब अपनी एक मित्र से पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तो वह सहेली जंगल की सैर करने आई थी, उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। उसे ऐसे ही जवाब अक्सर ही सुनने को मिलते थे। वह सोचती थी कि उसकी आंखें होती तो वे बहुत कम देखते हैं। जिनकी आंखें होती हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं, लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती हैं वह मन की आंखों से ही बहुत कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे चिकनी और खुरदुरी चीज़ें वह छूकर ही महसूस कर लेते हैं। हाथों को छूते ही वह चिड़ियों की गीतों को सुनती हैं और अपने अंदर उन आवाज़ों को महसूस करती हैं और उन अनुभवों से वह आनंदित होती हैं। प्रकृति की इस सुंदर चीज़ों को छूने से इतना आनंद मिलता है जो उन्हें देखने के लिए मंत्रमुग्ध कर देता है। मनुष्य जिनके पास आँखें हैं परंतु वह दुनिया की रंगों की संवेदना को महसूस नहीं करते, लेकिन जिनके पास आंखें नहीं हैं वह जीवन की उन तमाम इंद्रधनुषीय रंगों को देखने के लिए उत्साहित और खुशी महसूस करते हैं कि हम उन रंगों को देखें और अपने जीवन में उतारें। तो इस तरह हेलेन केलर ने भी इस जो है निबंध को लिखा है और हम लोग इस निबंध को पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग लेसन चैप्टर को पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, वह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने देखा, उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा है, कुछ तो नहीं, उसका जवाब आया था। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं अब क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ उसे न दिखाई दे या न देखे। मुझे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर महसूस कर लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की
चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों के नई नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है। यह आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ आभास होता है, एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरनों के पानी के बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियों का घास या घास का मैदान किसी भी महीने महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आदर्श आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखिए हेलन केलर लेखक के बारे में कहा गया है, उन्हीं के बारे में हेलन केलर के बारे में कहा गया है कि हेलन केलर 1880 और 1969 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो तो फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले। और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर जब वे डेढ़ वर्ष की थी। बचपन की गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? दुनिया की सभी भाषाओं में इन किताबों के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी।
अब देखिए इसमें प्रश्न उत्तर है। अरे शब्दार्थ पहले देख लीजिए, कठिन शब्दों का अर्थ लिख लीजिए आप लोग। परखना मीन्स जानकारी प्राप्त करना, सैर मीन्स घूमना, आदि मीन्स आरंभ, स्पर्श मीन्स छूना, अपार मीन्स असीमित, अचरज आश्चर्य, रोचक मुग्ध मोहित, कदर करना इज्जत करना, मचल उठना ललायत होना, संवेदना दुख सुख महसूस करना, दृष्टि निगाह, नियामत ईश्वर की कृपा, नियामत मैंने ईश्वर का दिव्य उपहार। आगे देखिए क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुएं छूने से आनंद मिलता है तो उन्हें देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, इसलिए दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते। दूसरा देखिए, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, ऋतुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली और घुमावदार बनावट, पेड़ों बागों और पेड़ों के गाते पक्षी कल कल छल छल करते हुए झरने, कालीन के समान फैले हुए घास आदि प्रकृति के जादू हैं। तीसरा, कुछ खास तो नहीं हेलन की कुछ खास तो नहीं हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुकी थी। कुछ खास नहीं यह जवाब मित्र से पाकर उसे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह उस इस उत्तरों की आदि हो चुकी थी। लोग जंगल की सैर करके आते थे और उससे कहते थे कुछ खास नहीं है क्योंकि उन्होंने अंदर से महसूस ही नहीं किया, इसलिए वह इस उत्तरों की आदि हो चुकी थी। चौथा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? छूकर सुनकर पहचान लेती थी, पाठ के आधार पर लिखो। हेलन केलर भोजपत्र के चिकनी छाल, पेड़ों की खुरदुरी छाल, कलियों की फूलों की चुन पंखुड़ियों की बनावट छूकर, चिड़ियों के गीत सुनकर पहचान लेती थी। जबकि इस नियामत की जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? जबकि इस नियामत के जिंदगी को खुशियों के रंग इंद्रधनुष रंगों पे हरा भरा किया जा सकता है, को देखकर आनंद उठाया जा सकता है, अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। निबंध से आगे क्वेश्चन देखिए, आज तुम्हारे अपने घर में आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा और सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। अब देखिए इसमें घर में आते हुए बारीकी से आपने क्या क्या देखा,
तुम अपने घर में आते हुए, आपने अपने घर में आते हुए क्या क्या देखा? मित्र के साथ सामूहिक चर्चा करिए। कई मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। जैसे उत्तर है, आज हमारे घर में आए हुए मैंने अनेक चीज़ें देखी। अपने घर में आते समय मैंने अनेक चीज़ें देखी, जैसे पेड़ पे बैठे हुए पक्षी और जीवन के कई कोई खजाना मिल गया हुआ है, और उनको उनकी आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगा जीवन में खजाना मिल गया है। और खिलते हुए फूल, आगे बढ़ा तो खिलते हुए फूलों को देखकर मन आनंदित हो गया। फूलों पर भौरे मंडरा रहे थे। कुछ पौधों की लताएं लिपटी हुई मन को मोहक कर रही थी। जिसने मुझे इतनी देखने की क्षमता दी, जितने जिस जिस ईश्वर को मैं बार बार मन में प्रसन्न होकर बार बार धन्यवाद देने लगा। और दूसरा क्वेश्चन है, कान से न सुनने पाने और आसपास की दुनिया कैसे लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में सुनाओ। कान बंद करने पर हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। प्रकृति के आनंद को, आवाज़ को न सुनने से एक अजीब सी स्थिति होती है। यह तुरंत कान खोलकर व्यक्ति आनंदित हो लेता है। आवाज़ को न सुनने से मन परेशान हो जाता है। सचमुच यह प्रकृति की क्रियाकलापों को बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसे तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ें चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? इसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मौका मिले तो उसे उसके आधार पर उसे देखिए, फिर से उत्तर देखिए तीसरे का, यदि किसी व्यक्ति को यह मौका मिले मिलने का मौका मिले तो जिसे दिखाई न देता हो, तो वह उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव को जानने वाली चीज़ों के विषय में पूछेंगे। जैसे पेड़ों को कैसे पहचानते हो? मैं स्पर्श करके पेड़ों को पहचानता हूँ। फिर पूछेंगे, स्वयं किसी पेड़ का नाम बताओ जिसे छूकर पहचान लेते हो।
जैसे बरगद की छाल, भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल। फिर हम पूछेंगे उससे कि वृक्ष की टहनियों पर हाथ रखते हो तो कैसा लगता है। वृक्ष की टहनियाँ किसी भी चिड़ियों की मधुर स्वर सुनाई देती है। आपको प्रकृति का जादू का एहसास होता है? जी हाँ, मुझे प्रकृति की जादू बहुत प्रिय है। मुझे प्राकृतिक वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों का एहसास तालिका बनाओ और तुम अपनी 4 इंद्रियों को महसूस करते हो, जिसमें तुम अपनी 4 चीज़ों को महसूस करते हो। सुनकर, चककर, सूंघकर, छूकर। सुनना, कान से कर्कश धीमी और मधुर ध्वनि हम किससे अनुभव करते हैं? कान से। चखना, हम स्वाद लेते हैं जीभ से, चखकर ही हम कड़वा मीठा स्वाद ले पाते हैं। सूंघकर, नाकों से सुगंधित और दुर्गंध का एहसास करते हैं। छूकर, त्वचा द्वारा, हाथ द्वारा हम चिकनी और खरदुरी चीज़ों को चौकोर, तिकोन, मुलायम, गीला, सूखा सब महसूस करते हैं। अब देखिए भाषा की बात। भाषा में दिया है पाठ से स्पर्श संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे कुछ दिए गए चिकना दिया है ना, चिकना से होता है कपड़ा चिकना, मुलायम रुई और सख्त मिट्टी, चिपचिपा क्या होता है, गोंद, खुरदुरा फर्श और भुरभुरा क्या होता है, आटा। अब दूसरा देखिए, अगर मुझे इन चीज़ों को छूकर छूने भर से ही इतनी खुशी मिलती हो तो सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। रेखांकित शब्दों को देखना है। यहाँ देखिए मिठास, भूख। अब देखिए इसमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। इसमें देखिए मिठास दिया हुआ है। ये दिया है मिठास, मिठास है। इसमें दिया है भाववाचक संज्ञा मिठास है और मूल शब्द मीठा से बना हुआ है। संज्ञा विशेषण और क्रिया बताना है तो ये विशेषण है। ठीक है, मिठास क्या है, विशेषण है। और बुढ़ापा, बूढ़ा इसका मूल शब्द है, ये भी विशेषण है।
ताजगी, ताज़ा इसका मूल शब्द है, विशेषण है। भूख, भूखा जो है विशेषण है। और घबराना, घबराहट, घबराना मूल शब्द है और ये क्रिया विशेषण है। क्रोध, क्रोधी विशेषण है। शांति, शांत विशेषण है। और बहाव, बहना क्रिया है। मजदूर, मजदूर मजदूरी, मजदूर संज्ञा है। भोलापन, भोला विशेषण है। कुर्ता, फुर्ता, फुर्ती, फुर्तीला, फुर्तीला इसका शब्द है, अभी ये भी विशेषण है। एहसास, एहसास ये भी विशेषण शब्द है। इस प्रकार अब देखिए, तीसरा देखिए, अब आदि हो चुकी है, स्पष्ट करो इनका वाक्य बना के अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे मैं, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, मैं परिश्रम करके एवं लगन से काम करूंगा। मेल, चित्र में रंगों का कोई मेल नहीं है। मैला, भिखारी के कपड़े मैले हैं। इस तरह पूरा दिया। और, दोनों ओर सूर्य की किरणें हैं। दिन, दिन पूरब से पश्चिम की तरफ निकलता है। सिल, उसके कोट की सिलाई अच्छी नहीं है। और श्याम और राम दोनों सगे भाई हैं। दीन, वह दीनहीन मालूम पड़ता है। शील, उसके अंदर शील की भावना नहीं है। अनुमान और कल्पना। तस्वीर, नज़र कहाँ आती है? इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? इस तस्वीर में हमारी पहली नज़र गली के खड़े वाहनों और लोगों पर जाती है। दूसरा है, गली में क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? गली में दुकान, वाहन, साइकिल वाला, स्कूटर वाला और बिजली के खंभे, तार आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, इस गली में कौन कौन से आवाज़ें सुनाई देती हैं? सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त और रात के वक्त। सुबह के वक्त वाहनों की आवाज़, मनुष्यों की आवाज़। दोपहर के वक्त लोगों की बातचीत की आवाज़ और वाहनों की आवाज़ सुनाई देती है। शाम के वक्त बच्चों के खेलने की आवाज़, लोगों के घूमने की आवाज़, वाहनों के चलने की आवाज़। रात के वक्त जूते और जानवरों की आवाज़, चौकीदार की सुरक्षा की आवाज़ सुनाई देती है। अलग अलग समय में गली कैसे बदलती होगी? अलग अलग समय में गली भीड़ भाड़ होती है तो सुनसान रहती है, और कभी कभी बिल्कुल खाली रह जाती है। वे तारे जो गली पे कहाँ से जुड़ती होंगी? ये तारे गली को कहाँ से कहाँ जोड़ती होंगी? ये तारे खंभे में एक दूसरे पर जाती है और गली अन्य गलियों
के सड़कों पर जोड़ती होगी। साइकिल कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? साइकिल अपने घर से आकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा होगा।